हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.C पे बात करेंगे। बेसिकली मैंने आपको एक्सरसाइज 1.B तक कवर कर दिया है, आज हम लोग 1.C पे बात करेंगे। और ये अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और आप सभी लोगों को धैर्य बना के पूरा कंसंट्रेट के साथ बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ ये जो आप आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, इससे एक ना एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न ये बोला है उसमें ये कहा है कि सिद्ध कीजिए 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 करड़ी में 3 है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, या हम लोग इसे a/b बोल देंगे, a/b। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा जहां a व b अभाज्य संख्या है। दैट मीन्स ए और बी में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। अभाज्य संख्या आप क्या पढ़ते हैं, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, वही संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग ये जो ए और बी मानते हैं, यह बेसिकली हम लोग अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। और ए और बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ए और बी अभाज्य संख्या है तथा ए बटे बी क्या होगा, तब परिमेय संख्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो अगर यह ए बटे बी परिमेय संख्या है, अर्थात इसके यह बराबर मान लिया गया है, 3 करड़ी में 3 को हमने क्या मान के चला, a/b, जहां ए इसका न्यूमरेटर है और ये क्या है, बी डिनोमिनेटर है, यह अंश और यह हर है। तो अगर कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाती है तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त ये भी दिखाना होता है कि जो नीचे वाला b होता है उसे हम लोग शून्य के बराबर नहीं लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ लिख देंगे b नॉट इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए, करड़ी में 3 बराबर a बटे क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तथा a व b पूर्णांक हैं, ए और बी क्या हैं, पूर्णांक हैं, और बी जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, ये बात आपको लिखना होगा। तो अगर बताइए ए और बी पूर्णांक हैं, तो बताइए ए बी का कुछ भी मान होगा, कोई भी पूर्णांक होगा शून्य के अतिरिक्त, तो ये आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो करड़ी में 3 आप देख रहे हैं, करड़ी में 3 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि √3 नॉट इक्वल टू a/3b, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाना होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो हमारा मानना ये गलत हो गया, अर्थात ये जो है इसके बराबर, मतलब क्या है, हम इसको इसके बराबर मान के चले, और लास्ट हमने क्या फाइंड किया कि जो √3 है वो इसके बराबर नहीं है, अर्थात कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात करड़ी में 3 क्या होगा, एक अपरिमेय, मतलब 3 करड़ी में 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए √3 है ना, नॉट इक्वल टू a/3b है, तो आप इसे 3 √3
थ्री बराबर क्या ए बाई बी भी लिख सकते हैं। तो जब आप इतना लिखेंगे तो यह बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है। तो थ्री करड़ी में तीन नॉट इक्वल टू ए बटे बी, अर्थात जो तीन करड़ी में तीन है वो ये जो हम परिमेय संख्या माने हैं इसके बराबर नहीं है। तो जब तीन करड़ी में तीन एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो वह अर्थात क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही तो है। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात तीन करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या इसका सेकंड लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि करड़ी में पांच एक अपरिमेय संख्या है, कैसे होगा? तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि जो करड़ी में पांच है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट फाइव को हम लोग क्या मान लेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा लेट लेट रूट फाइव इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, आर ही मान लेते हैं, जहां लिखना पड़ेगा कि आर मान लीजिए या ए बाई बी के फॉर्मेट में मान लीजिए, ए बाई बी ही मान लीजिए, जहां ए व बी क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा ए व बी अभाज्य संख्या है और बी जो है वह जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर मैंने ए और बी को अभाज्य संख्या मान के चला है, अर्थात ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अब आप लोग यहां से क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब इसका आप दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, रूट फाइव का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और बराबर ए बटे बी का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं करड़ी में पांच जो है इसका सिर्फ पांच हो जाएगा और ए स्क्वायर बटे क्या बी इंटू बी हो जाएगा, क्यों ऐसे भी तो हो सकता है, या बी स्क्वायर भी आप लिख दीजिए, क्लियर है। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपान में ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए एक ये चीज मिल रहा है कि बी स्क्वायर ए से विभाज्य है, बी स्क्वायर ए से विभाज्य है, जो कि आप मान के क्या चले थे कि बी स्क्वायर किसी से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर आपने पहले ही लिख दिया ए और बी अभाज्य संख्या है, अर्थात ए और बी जो हैं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बी स्क्वायर तो ए से डिविजिबल हो गया, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि हम लोग जो ए और बी लिए हैं वो पूर्णांक हैं, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ए और बी अभाज्य संख्या भी है। दैट मीन्स ये हुआ
कि ए और बी में एक के अतिरिक्त वह किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बी स्क्वायर ए से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तथ्य से जो हम माने हैं उसका विरोधाभास हो जाता है। यहाँ जो है बी स्क्वायर ए से विभाजित है, अर्थात हमारी मानी गई परिकल्पना के अनुसार इस तथ्य का विरोधाभास हो जाता है। देख सकते हैं आप, ए और बी आप अभाज्य संख्या माने हैं और यहाँ पर जो कि है उसका यह विरोधाभास कर दिया। बी तो यहाँ ए से डिविजिबल हो गया, अर्थात हमारी मानी गई कल्पना के अनुसार इस तथ्य का क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अब इसी प्रकार से जो भी आपको मिलेगा, जैसे करणी में 7 मिलेगा, करणी में 11 मिलेगा, करणी में 13 मिलेगा, तो सेम प्रोसेस आपका यही है लगाने का। तो आई होप अगर ये प्रश्न आप अच्छे से समझ लिए हैं, तो अगर कोई भी प्रश्न ऐसे आ गया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ करणी में 7 आ गया, करणी में 11 आ गया, करणी में 13 आ गया, ठीक है, तो ऐसे आप इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अपने आप में बेहतरीन प्रश्न था। अच्छा, एक प्रश्न मैं और लेता हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम लोग जो है क्लास 9th में भी बात कर चुके हैं, उसी का ये शेष पार्ट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और इससे एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको हर हाल में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इसे हमें बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। अगला जो प्रश्न है वो 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए, 3+2√5 आप मान लीजिए क्या a बाई बी, वही कंडीशन बार बार आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, तथा अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या है, और b जो है 0 के बराबर नहीं है, अर्थात a बटे b क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। तो अब आप देख सकते हैं 2√5 जब आप करेंगे तो a बाई बी और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, तो 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन बी, क्लियर है। तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो आप देख रहे हैं इधर a और b पूर्णांक है, तो a और b का मान कुछ भी होगा तो बराबर के इधर जो है दाहिने साइड में वह एक परिमेय संख्या ही होगा, जबकि इधर करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। √5 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, यानी रूट में जो संख्याएं हैं जैसे √3, √5, √7, √11 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे √5 नॉट इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। क्यों, यहाँ पर रीजन लिख रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन 2b एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, ये मिल जाएगा। तो इस
तथ्य के अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं कि अतः जो करड़ी में पाँच होगा, अतः करड़ी में पाँच एक अपरिमेय, सॉरी अतः आप लिखेंगे थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? इसके बाद रूट सेवन आप कर ही लेंगे, रूट टू प्लस रूट टू ऐसे ही लग जाएगा आपका, जैसे मैंने ये लगाया है थ्री प्लस टू रूट फाइव, ऐसे टू प्लस रूट टू आप लगा लेंगे पक्षांतर करके दाहिने साइड में। जैसे मैं बता देता हूँ, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिएगा, माना दो धन करड़ी में दो बराबर ए बटे बी, तो करड़ी में दो बराबर ए बटे बी और माइनस का दो, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ए और बी क्या हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, ए व बी पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्या है और बी शून्य के बराबर नहीं है। तो करड़ी में दो बराबर क्या, ए माइनस दो बी अपॉन में क्या बी, ये पूरा आपको एक परिमेय संख्या है। सिंस में लिख दीजिएगा ए माइनस टू बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए टू प्लस रूट टू एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये इसका आंसर है। वन बाई रूट टू आप लगा ही लेंगे, वन बाई रूट टू को ए बाई बी के बराबर मान लीजिएगा। जैसे अगला प्रश्न है वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू ए बाई बी के बराबर, रूट टू ऊपर जाएगा तो b बटे a हो जाएगा। ये b बटे एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः करड़ी में दो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात एक बटे करड़ी में दो भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यह एक बेहतरीन प्रश्न था और बेहतरीन एक्सरसाइज था। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा, और जहाँ तक मेरा मानना है इस चैप्टर से आपके एक या दो प्रश्न एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपना सहयोग हमारे ऊपर बनाए रखें, बस यही आप लोगों से उम्मीद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कल। तो थैंक यू एवरीवन।